है आपका एनिमल अलर्ट के चैनल में और आज के हमारी वीडियो होने वाली है बोर्डो चैप्टर 80 के स्पॉइलर्स के बारे में। तो भाई चैप्टर 80 रिलीज होने से पहले ही उसने आग लगा दी है। चैप्टर 80 का कंटेंट काफी ग्रेट होने वाला है और चैप्टर 80 के स्पॉइलर्स कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 80 बिगिन होता है सारडा उचिहा के पोस्टर के साथ और चैप्टर का टाइटल काफी ढांसुए अगर मेरा बाप है तो इफ इट्स माय डैड और नीचे एडिटोरियल नोट बताए जाते हैं कि क्या जरूरी है, क्या वो विल है जो या फिर अवेकनिंग आय है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अंत ही आरंभ है तो चैप्टर 80 शुरुआत होती है बोटो की चेज के साथ जो मित्सुकी पागलों की तरह कर रहता है। तो मोशिकी इस सीन में बोटो से काफी कहता है कि तुम तो अब सब कुछ खो चुके हो ना, अब मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो बोटो, और बोटो उसे मना कर देता है। अगले सीन में एक सीन में हमें बताया जाता है कि एडोर कवाकी को शिकमारु पूछता है कि क्या हुआ है नरुटो के साथ, नरुटो कहा है, तो कवाकी उसे रिप्लाई देता है भाई एपिक रिप्लाई कि नरुटो अब मर चुका है। एडा इस बात को सुन के काफ़ी चौंक जाती है और वो कवाकी तरफ घूरने लगती है। शिकामारू एडा से पूछता है क्या कवाकी जो कह रहा है वो सच है, क्या नरुटो मर चुका है और क्या बोरुटो ने उसे मारा है। तो एडा बताने से पहले कवाकी एडा का गला दबा लेता है। एडा चौंके हुए शिकामारू को बताते हाँ भाई जो कवाकी कह रहा है ना वो सही है, बोरुटो ने लिटरली 7th होकागे को मार डाला है। शिकामारू सदमे में रहता है और वो सारे शिनोबी वर्ल्ड को यानी कि कोनहा को बताता है कि भाई 7th होकागे को ढूंढो नहीं क्योंकि वो मर चुका है और उसे बोरुटो ने मारा है। ये पैनल का सबसे बड़ा शॉकिंग इवेंट था सारडा के लिए। सारडा जब ये बात सुनती है कि बोरुटो ने नरुटो को मारा है तो वो चौंक जाती है, ऐसा कैसे हुआ, और 7th होकागे अब डेड हो चुके हैं। अब सारडा का आइडल जो 7th होकागे है वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए सारडा हमारी काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। आगे टीम 10 बोरुटो को चेस करते हुए पकड़ लेते हैं और यहीं पे सास्के की एंट्री होती है। सारडा खुद को संभालते हुए सास्के के पास जाती है और बताती है कुछ तो गड़बड़ है, पर सास्के सारडा को बताता है कि सारडा तुम विलेज जाओ, मैं बोरुटो को विलेज पार करने से पहले ही खत्म कर दूंगा और ये सच है कि उसने नरुटो और हिनाटो को मार डाला है और यहाँ तक कि उसने लिटरली कवाकी को भी मारता है। सारडा काफी कंफ्यूज होती है कि क्या कह रहे हो तुम सास्के, और यहीं पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि सुमेरे भी इस एबिलिटी से अडा की जो एबिलिटी है ना ओमनीपोटेंस उससे अफेक्टेड नहीं होती है और वो सारडा को बताती है कि सारडा ये सब एडा का किया धरा है। तो अभी हमें समझना यह चाहिए कि अगर सारडा को ये नहीं पता चला कि एडा ने किया है तो सुमेरे को कैसे पता चला, तो वो होगा डेमन के द्वारा। जब शिकामारू जाता है तब एडा के पास डेमन आता है और वो कवाकी पूछता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो, और तब कवाकी सारी स्टोरी एडा को नैरेट करता है कि अच्छा है कि सभी को ये लगता है कि बोरुटो ने 7th होकागे को मार डाला है भाई, और इस वजह से 7th होकागे जो उसके आइडियल है और उसकी जो वाइफ है वो सेफ रहेगी डाइकोकोटेन में, और जब तक सारे ओत्सुस की जो बोरुटो और कवाकी है ना अभी वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनके जान को कोई खतरा नहीं रहेगा, और वो ख़त्म हो जाने के बाद वो उन्हें डाइकोकोटेन से बाहर निकलेगा। और सुमेरे सारडा को उस पेज और सुमेरे सारडा को बताती है कि सारडा वो एडा के वजह से ये सब हुआ है, और सारडा का ये काफ़ी इमोशनल पैनल होता है। सारडा काफ़ी सदमे में आ जाती है कि ये क्या हो गया, एडा ने ऐसा क्या कर दिया, और सब कुछ अब बोटो के खिलाफ होने वाला है। और वो ये वो मोमेंट है ना दोस्तों जो हम कब से राह देख रहे थे भाई, इस मोमेंट की सारडा बेग करती है अपने पापा को, सास्के उचिहा को कहती है पापा मेरी एक बात सुनो, कुछ बोलो मत बस सुनो मेरी बात, और ये मेरी पहली और आखिरी इच्छा है प्लीज सुनो। और यही पे दोस्तों सारडा का मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो उसका मांगेक्यू शारिंगन है ना वो काफ़ी समय पहले किशिमोटो ने जो 700 चैप्टर रिलीज किया था नरुटो को उसके पैनल में हमें सारडा का एग्जैक्ट पैटर्न का मांगेक्यू शारिंगन बताया जाता है, और वही
यही रहता है जो अभी सारडा ने अनलॉक किया। सास्के उचिहा देखते रह जाता है कि सारडा ने मांगे क्यों, शारिंगन कैसे क्या एक्टिवेट कर चुकी है वो और क्या हुआ है, और वो रोते हुए बताती है सास्के को कि बोरुटो को बचाओ, कुछ मत पूछो पर बोरुटो को बचाओ, वो बोरुटो है, तुम्हारा स्टूडेंट है, ये सब एडा की अबिलिटीज है, और ये सब सारडा सास्के को बताती है। और जब वो ये बता दे रहती है ना सास्के को, तब बोरुटो और टीम 10 का क्लैश शुरू होता है, और शिकाडे और टीम कहती है कि तुमने जो किया है ना बोरुटो, वो किसी ने भी कभी भी किसी दोस्त ने किसी के साथ नहीं किया होगा। और यहाँ पे जब उनका क्लैश होने वाला होता है, तभी दोस्तों सास्के बोरुटो को लेकर उड़ जाता है, वो बोरुटो को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से दूर लेके जाता है। एडा अपनी सेंड्रिगन एबिलिटी से ये देख रही होती है कि सास्के ने बोरुटो को बचा लिया है। अब जो सीन आएगा ना उसके अंदर क्या होगा कि सास्के और बोरुटो का डायलॉग चल रहा रहता है। सास्के बोरुटो को बताता है कि कवाकी उसका स्टूडेंट है, वो कवाकी से कैसे मिला और कैसे उन्होंने मोमोशिकी को मिलकर हराया था, उनकी बॉन्डिंग के बारे में, और वो आगे चलकर बोरुटो को एक डिफरेंट प्लेस पे लेके जाता रहता है, और वो उसे बताता है कि अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे मेमोरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर मुझे भरोसा किस पे है तो मेरी बेटी पे है। अगर मेरी बेटी चाहती है कि तुम जिंदा रहो तो तुम्हारी लाइफ को मैं बचाऊंगा बोरुटो। और यहाँ पे सास्के और बोरुटो को चेस करते हुए एडा और डेमन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैनल हमें अभी बताया नहीं गया, अभी स्पॉइलर नहीं है, शायद चैप्टर 80 में हमें कंफर्म है कि सास्के और एडा के बीच में क्या डायलॉग्स होते हैं, पर हमें ये पता है चैप्टर 80 के स्पॉइलर्स के अनुसार कि एडा जो है ना वो बोरुटो को पूछते हैं अपनी ही स्टोरी में बोरुटो विलन बनते हुए कैसा लगता है। बोरुटो उसे देखता रहता है पर उसे कुछ भी नहीं कहता, और यहाँ पे बोरुटो के लिए एक कंफर्मेशन ये भी हो जाता है कि अब शायद वो अकेला नहीं है, अब शायद सारडा ने उसकी तो मदद कर दी है, सास्के भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है, और कवाकी का बर्ताव साइकोपैथ देखते हुए हो सकता है आगे चलकर एडा भी उसकी मदद करे बोरुटो की। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मोमोशिकी बोरुटो से चीख चीख के खेल रहा है, तुम तो सब कुछ खो चुके हो ना, मुझे लड़ने दो बोरुटो, मैं उन सबको ख़त्म कर डालूंगा, और तुम तो अब सब कुछ खो चुके हो, तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो बोरुटो, मैं साबित करूंगा कि मैं हूँ, मैं ओटसुस्की हूँ, और तुम कहीं पे जाके बंद हो जाओ, एक स्पिरिचुअली सील में बस दबके रहे हो, मैं सब को हैंडल कर लूंगा। और बोरुटो उसे बताता है भाई ये अब तक के बोरुटो मैंगा के सारे चैप्टर्स का पीक मोमेंट होने वाली है, एक तो सारडा के साथ हुई थी और अब ये बोरुटो के कॉन्सिक्वेंस के साथ होने वाली है। बोरुटो मोमोशिकी को पूछता है कि मोमोशिकी तुमने तो कहा था तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगे, पर तुम गलत हो, मेरे पास अब भी मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है मोमोशिकी मेरे पास। और वो कहता है कि मैं 7th होकागे नरुटो उज़ुमाकी का बेटा, मेरे अंदर 7th होकागे का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर हिनाटा ह्यूगा का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर नामिकाज़े मिनाटो के जीन्स है, और मैं उन सब का वारिस हूँ, मैंने उन सब का विल ऑफ फायर इनहर्ट किया है क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ और यही शिनोबी की वे है। और बोरुटो के इस धासु डायलॉग के बाद मोमोशिकी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, वो लिटरली कंफ्यूज होता है और कहता है कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, ये क्यों नहीं टूट रहा, मैंने तो इससे सब कुछ छीन लिया है, इसके साथ सब कुछ छीन लिया तो तब भी ये इतना पॉजिटिव क्या है, क्योंकि वो नरुटो उज़ुमाकी का बेटा है भाई, मोमोशिकी उत्सुकी वो लेजेंड का बेटा है और वो भी अब लेजेंड बन रहा है। और बोरुटो कहता है कि अब मेरी स्टोरी की शुरुआत होने वाली है और कवाकी को हराने के लिए अब मुझे तैयार रहना होगा, जो मैं एक तैयार रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है कवाकी और कोड की तरफ, जो दोनों अपने अपने रिजॉल्व को डिक्लेयर कर रहे हो, और यहाँ पे कवाकी कहता है एक पैनल में कि अब जब तक बोरुटो और कोड को मैं मार नहीं देता ना तब तक मैं रुकने नहीं वाला, और कोड भी कहता है जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए
कवाकी और बोरुटो की मौत ना हो जाए तब तक मैं नहीं रुकने वाला। और यहाँ पे तीनों जो कर्मा वॉरियर्स हैं ना भाई, जिनके पास कर्मा है, उन तीनों के रिजॉल्व हमें इस आने वाले चैप्टर में पता चलेंगे। और चैप्टर एंडिंग होता है काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट के साथ, जो होता है बोरुटो और नारुतो का रिजेम्बलेंस एक पैनल में होता है और बोरुटो नारुतो के आइकॉनिक स्टेप करते रहता है। तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मैं वापस आऊँगा कवाकी को हराने के लिए और अपना सब कुछ लेने के लिए। और यही पे चैप्टर 80 एंड होता है एक नोट के साथ कि अब एक नया एरा चालू होने वाला है, एक नया आर्क चालू होने वाला है बोरुटो का, और वो होगा चैप्टर 81 के साथ। तो हम काफ़ी एक्साइटेड है एज अ फैन कि चैप्टर 81 कैसा रहेगा। और एक और बड़ी मुद्दा आपको क्लियर कर देता हूँ कि चैप्टर 81 रिलीज होना है आपसे 3 महीने बाद, यानी कि अगस्त 2023 में। बोरुटो मैंगा भी टाइम स्किप के लिए अब रेडी हो रही है, इसलिए वो हाइटस पे जा रही है। तो बात रहते कि बोरुटो कहाँ पे ट्रेन करेगा। अब चैप्टर 80 तो खत्म हो चुका है, बोरुटो को अब ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी तो 4 कैरेक्टर कन्फर्म हो चुका है कि बोरुटो की मदद कौन करेगा। तो सारडा ने तो कर दी, सास्के ने कर दी, सुमेरे ने कर दी, और उसके साथ अब तो एडा भी कर रही है। तो अब वो कैरेक्टर्स कौन रहेंगे जो बोरुटो की मदद करेंगे उसको उस एबिलिटी को ट्रेन करने में जो उसके अंदर है। तो अभी शायद चैप्टर 81 और 82 में हमें शायद मैंगा डेबट देखने को मिलेगा टोनोरी ओत्सुकी का। टोनोरी काफ़ी देर से बोरुटो एनिमे से गायब है और उसका ये सही टाइम है बोरुटो मैंगा में वापस आने का और बोरुटो को गाइड करने का जोगन के बारे में, कि उसे ही पता है बोरुटो की आज स्टार ऑफ होप है और बोरुटो को आप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप सास्के क्या उसकी मदद कर पाएगा, उसे ट्रेन कर पाएगा, क्योंकि बोरुटो को बचा के शिकाडाई और टीम से बता के सास्के खुद भी एक ट्रेटर बन चुका है। चैप्टर 81, 82, 83 में हमें पता चलेगा कि सास्के के साथ होगा क्या जब शिकाडाई ये सारी बातें शिकामारू को बताएगा या फिर एडा कवाकी को बताएगी। पर तो यहाँ पे टोनोरी ओत्सुकी का मेजर गेम हो सकता है इंट्रोड्यूस करके, और वो बोरुटो को शायद ट्रेन कर सके। तो और एक कैरेक्टर है जो बोरुटो को ट्रेनिंग में मदद करेगा, वो है काशिन कोजी। जैसे कि हम सबको पता है एज अ फैन कि काशिन कोजी एक स्टार ऑफ चेंज है, जिसे इशिके ने कहा था कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग फेट के साथ बॉर्न हुए हो कोजी, क्योंकि तुम जिराया के क्लोन हो और तुम्हारे अंदर भी वो स्टार ऑफ चेंज की बात है। तो एक्साइटेड रहेंगे हम इसके लिए कि कोजी का रिटर्न हो और वो कोजी बोरुटो को ट्रेन करे। और इसकी फोरशैडोइंग भी शायद टाइम स्लिप आर्क में हुई थी बोरुटो एनिमे में, जब जिराया नारुतो और बोरुटो को दोनों को ट्रेन कर रहा था। हो सकता है ये कुछ एपिक फोरशैडोइंग हो। और बोरुटो के एंडिंग में भी हमें बताया गया है कि बोरुटो फायर स्टाइल यूज़ कर रहा है, बोरुटो टोर समन कर रहा है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब बोरुटो को ट्रेन कौन करेगा, उसको उस लेवल पे कौन पहुंचेगा जो शिनोबी के। एज अ शिनोबी बोरुटो अब उस पाथ पे चल चुका है जिस पाथ पे नारुतो, मिनाटो, सास्के, इटाची सब है चल चुके थे, और अब उसके पास उसको पता है उसका व्हील ऑफ फायर है। तो अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि बोरुटो कहाँ पे जाके रुकेगा, उसकी ट्रेनिंग आर्क कैसा होगा। हमें कुछ नहीं पता, पर अभी पता करना है तो 3 महीने रुकना पड़ेगा चैप्टर 81 के लिए। और उसके बाद अगर कोई बोरुटो को अभी एडा से बचने के लिए या फिर कवाकी से बचने को कौन से डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी ना, वो होगा रियूजी केव का डायमेंशन। हाँ भाई, बोरुटो के एक एनिमे एपिसोड में हमें वाइक स्नेक स्नेज मोड सेनिन दिखा था, और उसने कहा था कि बोरुटो के पास एबिलिटी है स्नेक स्नेज मोड को मास्टर करने की। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि बोरुटो रियूजी के जाए, क्योंकि अब तो वो कोनोहा छोड़ चुका है चैप्टर 80 के साथ। तो दिलचस्प ये रहेगा देखना कि बोरुटो क्या रियूजी के में जाके ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि चैप्टर 80 और बोरुटो एनिमे का मित्सुकी रिटल काफ़ी सिमिलर लग रहा है मुझे। तो शायद वही पैटर्न होगा और बोरुटो शायद रियूजी के में जाए, शायद कह रहा हूँ भाई, कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है चैप्टर 81 82 अगले के लिए। पर ये देखने में क्या जाता है भाई कि बोरुटो स्नेक स्नेज मोड को एक्सप्लोर करे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का तो इसी के साथ हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, और वापस आएंगे हम चैप्टर 80 के रिव्यू के साथ। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं काफ़ी जानकारी देना चाहूँगा कि नारुतो की एनिमे सीरीज आने वाली है, और ये अनाउंस किया गया है मसाशी किशिमोटो में। और ये एनिमेटेड जो सीरीज़ है ना नारुतो की, वो शायद हमें
सितंबर में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो अभी के पॉपुलरिटी पोल्स हुए थे ना नारुतो कैरेक्टर से, उसके अंदर मिनाटो नामिकाजे टॉप कर चुका है और किशिमोतो ने कंफर्म किया कि वो मिनाटो की मांगा पे काम कर रहा है और वो मांगा होने वाली है मिनाटो के जुत्सु के बारे में। मुझे लगता है शायद वो हिराइशिन जुत्सु, क्योंकि हमें रासेंगन तो पता है भाई मिनाटो ने डेवलप किया था, पर हिराइशिन जुत्सु के बारे में हमें मिनाटो मांगा में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बोरुटो नारुतो के जो गेम है ना नारुतो एक्सप्लोरर DLC में एक नया सुसाइनो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है और हमें उसका काफ़ी एपिक स्क्रीनशॉट मिला था और सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सुसानो किसका होगा और वो हाथ किसका हो जो बोरुटो को पॉइंट कर कोना है कि मेरे ख्याल से वो शायद सारा उचिहा का सुसानो हो। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, हमारे साथ बने रहिए आने वाले वीडियोस के लिए चैप्टर 80 के रिव्यू के साथ और साथ ही साथ आने वाले प्रेडिक्शन वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए मैं एनिमल यूट्यूबर आपसे अलविदा लेता हूँ, तो मिलते हैं चैप्टर 80 के रिव्यू के साथ।